बन जाएगा? हाँ वही बनेगा। अच्छा वोट कहाँ? अच्छा चाची सही बताओ, ऐसा वोट लोग कमल के फूल पर देते हो कि खाली झूठ बोलते? कमल के फूल ऐसा तो ना ना कि क्योंकि डर से कहते हो झूठ? नहीं अपने जाके अपने दबा दखी। अच्छा कैसे दबेलू? दबा दे ने मतलब कैसे फूल पर जिस पहले गइलू हा? हां के ना समझ में आले पहले तो समझ में आए ला खूब देख के तो दिया नहीं लाइक किसी को करती है एकदम करते हैं बताना चाहेंगे जी जी किसको लाइक करते हैं? श्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी को करते हैं जी और ऊपर योगी मोदी को तो भी कहता है कि नहीं वो खराब काम है, अच्छे काम को बुरा कहना बुरे काम को अच्छा कहना हमारे देश की राजनीति गंदी सोच है। इसमें अब मन किसी की मानसिकता तो बदला नहीं जा सकता, हकीकत क्या है? तो वो कहता है कि ईवीएम बदली गई है। अभी मन में ऐसा भी पाप चल रहा है कि अगर मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या कि ईवीएम हैक हो गया? कहेंगे कल कहेंगे कि नहीं वाराणसी वाला सीट हार रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहना उचित नहीं है। चेहरे पे खुश स्माइल आ रही है आपकी इस बात पे, क्या बात है? स्माइल तो हम हमेशा हंसते रहते हैं। अगर नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। मैं इस समय पहुंच चुका हूं बलिया लोकसभा में और यहां पे चुनावी चर्चा जोरों शोरों से है। लगातार आप देख रहे हैं, मैं इस समय हूं प्राथमिक विद्यालय कुबरी क्षेत्र बारहचवर और बलिया लोकसभा में मतदान हो रहा है। और आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि मतदान ज़्यादा कहाँ हो रहा है। फिलहाल लोगों के स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते लोग बता सकते हैं। फिलहाल हम उनके ऊपर कोई प्रेस नहीं करेंगे, कोई दवा नहीं करेंगे, प्यार से उनसे हम कुछ जानकारियां लेंगे। तो बगल में आप देख सकते हैं इस समय जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, आज एक ऐसा समय आ गया है कि महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए सभी कार्यक्रमों में उन्हें भाग दिया जा रहा है। तो माता जी कहाँ से लिए आप वोट? कह ली हाँ कुबरी से। कहाँ नाम पड़ेगा? ललिता। अच्छा आपका नाम क्या पड़े? रिंकू। आपका नाम क्या पड़े? रंजना राजभर। आप युवा पीढ़ी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, पढ़ती भी होंगी, क्या स्थिति आपके मन में? तो कुछ तो चल रहा होगा, क्या आपने सोचा, क्या समझ के आप मतदान करने के लिए आए? बस विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पे इस सरकार में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी बहुत। ज़्यादा लाइक किसी को करती हैं या नहीं करती हैं? करते हैं। बताना चाहेंगे? जी जी किसको लाइक करते हैं? श्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी को करते हैं जी। और ऊपर योगी मोदी को? मोदी जी को। मोदी जी को करते हैं जी। चलिए अब ज़्यादा कुछ खुल के नहीं बोलना चाहती हैं, अब आप समझदार हैं, समझ भी गए होंगे कि इन्होंने मतदान कहाँ किया होगा। और भी लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या जानकारियाँ हो रही हैं क्या। पर सबसे पहले तो ये बताइए, आप बलिया लोकसभा से आते हैं, आप वोट आपने कर दिया है जी, क्या लगा आपको, क्या स्थिति है यहाँ पे, किसी की गुंडई किसी की दबंगई? नहीं नहीं एकदम शांतिपूर्वक यहाँ जो है वोट चल रहा है। किसी का प्रेस किसी का दबाव? किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। वोट आपने अपनी मर्जी से वोट कर रहे हैं, किसी का दबाव नहीं है। ये बताइए जो 2024 का चुनाव है, बलिया लोकसभा है, कहाँ वोट पड़ रहा है ज़्यादा? आप लोग को कुछ आंकड़ा होगा, आप लोग जमीन पे हैं। वोट पड़ रहा है भाजपा भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है वोट, और भारतीय जनता पार्टी इस बार विजयी है। आप कहाँ दिए हैं बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल हम तो खुले हैं। अच्छा खुले हैं, एकदम खुले हैं। भगवामय हो गए? भगवामय हैं, भगवा में चारों तरफ था, पहले भी था और मैं आगे भी रहूँगा और आज भी हूँ। एक अखिलेश यादव का बयान आया था कि बस हम एक ही सीट हार रहे हैं, बाकिया तो सब गर्दा में है, बनारस वाली सीट आ रहे हैं, बाकी सब सीट। 4 जून को क्लियर हो जाएगा ना? 4 जून को क्लियर हो जाएगा। चलिए मैंने शांतिपूर्वक से वोट पड़ रहा है, किसी की गुंडई दबंगई? कोई दबंगई नहीं, कोई नहीं। बाबा पूर्वक हमारा गांव तैयार है गुंडई अगर कोई किया तो। हाँ जरूर। चलिए बहुत अच्छा लगा, और कुछ और लोग भी हैं बगल में, युवा पीढ़ी के लोग भी हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल पे सवाल करते जाएंगे। भैया सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि बलिया लोकसभा में क्या स्थिति है, कुबरी जो गांव है यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे मतदान केंद्र है, क्या स्थितियाँ हैं? पहले तो ये बता दीजिए, गुंडई दबंगई तो नहीं है किसी की यहाँ? कभी दबंगई नहीं हुई, 75 वर्ष हो गया चुनाव होते हुए, कभी दबंगई नहीं हुआ है और नहीं होगा। शांतिपूर्वक वोट जी, जी कभी झगड़ा नहीं हुआ है यहाँ। अच्छा आप लोग जमीन पे हैं, जो 400 पार के जो नारे आ रहे थे, क्या लग रहा है 400 पार के अनुसार वोट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? यहाँ तो पड़ रहा है जी, यहाँ तो क्लियर है, यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा वोट कमल को पड़ रहा है।
जी। और चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल कर लेते हैं। पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, और सबसे पहले तो प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी। प्रधान जी, ये बताइए क्या स्थितियाँ है, किसी प्रकार की कोई गुंडई कोई दबंगई? नहीं, गुंडई दबंगई यहाँ नहीं चलता है किसी को। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऊपर से प्रेस आया हो, दबाव आया हो कि यहीं वोट करना है? किसी को प्रेस नहीं है। शांतिपूर्वक से शांतिपूर्वक वोट दिए? हम वोट दिए हैं। कहाँ वोट दिए? कमल के फूल पर वोट दिए हैं। दबा के दे रहे हैं? हाँ, दबा के। ओम प्रकाश राजभर जहाँ रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। जहाँ राजभर जी रहेंगे वहाँ, राजभर जी जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग वोट करेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा भी है क्या? जी बिल्कुल, हो ही जाए, एक रास्ता पहचानना है। माता जी जहाँ राजभर जी रहें। हाँ अच्छा, वोट कैलू? हाँ अच्छा, हम तो उससे पहले बात भी कर ले। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए, एक सवाल होगा, क्या लग रहा है इस सरकार में विकास हुआ है कि खाली खाचा खाची हुआ है? विकास हुआ है, देख लीजिए रेलवे स्टेशन देख लीजिए, पहले किस तरह रहता था अभी किस तरह है। रेलवे स्टेशन का विकास किसने कराया? मोदी जी ने कराया है, सिन्हा ने कराया यहाँ। मनोज सिन्हा ने तो कराया, लेकिन मनोज सिन्हा तो चुनाव हार गए थे। हाँ तो पहले से करा दिए थे ना, जीते थे तो रेल मंत्री वही थे ना। एक बात बताइए, इतना अच्छा विकास हुआ जैसा कि आप बता रहे हैं मनोज सिन्हा, लेकिन उनको तो जनता ने बड़ा बुरी तरीके से हराया। हाँ, गठबंधन था ना, गठबंधन की वजह से हार गए वो। हाँ, लोग लगता है कि विकास के नाम पे वोट नहीं देते हैं क्या यहाँ के लोग? नहीं, विकास के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन अब जात के, हाँ जात के हिसाब से वो हार गए चुनाव। जाति के आधार पर भी लोग वोट करते हैं? हाँ, जातों को, हाँ गाजीपुर के लोग जातों के आधार पर वोट करते हैं। चलिए, और प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्थितियाँ हैं, लोगों को कैसे समझा रहे हैं? जैसे मान लीजिए माताएं बहने हैं, ज़्यादातर पहले देखा जाता था कि महिलाओं को पीछे रखा जाता था, लेकिन यहाँ पे जो मतदान केंद्र है ख़ास तौर से महिलाओं को आगे रखा गया है, क्या स्थितियाँ लग रही है? लोगों को जागरूक आप लोगों ने किया है, या फिर खुद महिलाएँ पहले से ही जागरूक है? महिला सुरक्षित है ना इस सरकार में, उसी से आगे रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले सरकार में दिक्कत थी। महिला मोदी जी का 4-5 कार्य बता दीजिए, अच्छा कार्य। राशन फ्री मिल रहा है, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है, किसान निधि फ्री मिल रहा है। हाँ, आयुष्मान कार्ड भी। हाँ अच्छा, चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, फिलहाल इस पर भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। बताइए, इस सरकार में महिलाएँ सुरक्षित हैं या फिर नहीं? जी बहुत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा चल रहा है, सिर्फ किताबों में है या फिर हकीकत में दिख रहा है? हकीकत में है बिल्कुल। अब सुरक्षित हैं आप लोग? बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये होगा जी। भारत आयुष्मान कार्ड आपके घर में बना है किसी का? जी। तो फिर मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य किया है, फिर भी कुछ लोग उनके विरोध किए जा रहे हैं। इस बार विपक्षी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, आपको क्या लग रहा है? आप महिला हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई हकीकत नहीं, सब अफवाह है। सब अफवाह जी। इस बार बन जाएंगे? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनेंगे? जी पक्का पक्का। चलिए, अब मिलते हैं 4 जून को, 4 जून से आपसे हम फिर मिलेंगे। अगर मोदी जी की सरकार बन गई तो हम जरूर आपसे आके घरों पे सवाल करेंगे। बन जाएगा? हाँ वही बनेगा। अच्छा, वोट कहाँ? अच्छा चाची सही बताओ, आइजा वोट लोग कमल का फूल पर देते हैं, उनकी खाली झूठ बोल। कमल के फूल ना कि क्योंकि डर से कहा ना, ही अपने जाके अपने दबा दखी। अच्छा, कैसे दबेलू? दबा देने मतलब कैसे? समझ में आये ला, खूब देख के तो दिए नहीं। हाँ। वो जो 50 में लास्ट में एकदम लास्ट में बा। अच्छा वोट कहाँ? अच्छा चाची सही बताओ, ऐजा वोट लोग कमल का फूल पर देते उनकी खाली झूठ बोल। कमल के फूल ना कि क्योंकि डर से कहा था ना, ही अपने जाके अपने दबा दखी। अच्छा, कैसे दबेलू? दबा देने मतलब कैसे? पहले गैलू तोहके ना समझ में आये, पहले तो समझ में आये ला, खूब देख के तो दिए नहीं। हाँ। वो जो 50 में लास्ट में एकदम लास्ट में बा। अच्छा चलिए, कुछ माताएं बहने हैं, इन लोग पहले जब वोट करती थी तो पेपर से करती थी, और उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन आज का जो चुनाव है सीधा डिजिटल हो गया है। डिजिटल आप बनाना चाहते हैं, फिर डिजिटल का विरोध क्यों करते हैं? कुछ लोग हैं वैसे लोग। प्रधान जी एक सवाल और कर लेते हैं, लोग डिजिटल तो भारत को बनाना चाहते हैं, फिर उसी डिजिटल का लोग विरोध भी करने लगते हैं?
विरोधी तो विरोध करता ही रहेगा ना। कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लोग डिजिटल बनाना। वहाँ वो ईवीएम से वो जीत जाता है तो अच्छा रहता है, हार जाता है तो वो कहता है कि ईवीएम बदली गई है। अभी मन में ऐसा भी पाप चल रहा है कि अगर मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या कि ईवीएम हैक हो गया। कहेंगे, कल कहेंगे कि नहीं ईवीएम बदली गई है। हाँ, 4 तारीख को कुछ प्लान किए हैं पार्टी ओटी का? पार्टी ओटी का प्लान कंफर्म है कि चुनाव जीत जाएंगे तो जीतने के बाद तो पार्टी भी होनी चाहिए। पार्टी होगी ना, ना जी, चुनाव तो जीत जाएंगे तो पार्टी होगी ना कि नहीं होगी? जी होगी। कैसी पार्टी होगी? कैसी पार्टी, आ जाइएगा घर देख लीजिएगा आप। पार्टी में बुलाएंगी पत्रकारों? जी। देखिए भाई, जितने भी पत्रकार देख रहे हैं तो 4 तारीख को आप तैयार रहे और इनके घर पर बहुत बड़ी पार्टी होनी है। तो और भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं इस गांव के, सम्मानित प्रधान हैं, और इनसे हम कुछ सवाल कर लेते हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या गतिविधि दिख रही है। सबसे पहले तो प्रधान जी, हम चाहेंगे कि स्वयं आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है, वर्तमान समय में मैं इस ग्राम सभा का प्रधान हूँ। ये बताइए, महिलाओं को काफ़ी पीछे रखा जाता था, लेकिन इस बूथ पे आने के बाद देखा गया कि महिलाएं आगे हैं और पुरुष पीछे कतार में हैं। बिल्कुल, तो महिलाएं जागरूक हैं, उनको जागरूक किया गया है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, आपको आपका हक मिलेगा, तो जागरूक हैं। जैसे कि मोबाइल पे ECI का, इलेक्शन कमीशन इंडिया का मैसेज भी आता है, लोगों को जागरूक इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी किया गया है। आपने प्रधान जी महिलाओं के लिए क्या किया है, लोगों को कैसे जागरूक किया, क्या बताया? मैंने महिलाओं को ये बताया कि भाई देखिए, वोट देना परम कर्तव्य है, नेता चुनना, आप नेता चुन के भेजेगी तभी आपका विकास होगा, तो आप अपना वोट जाकर दें। वोट देंगी, आपका नेता आएगा, आपके बारे में सोचेगा, नेता आपका नहीं रहेगा तो सोच भी नहीं करेगा, इसलिए आप जाकर वोट करें और अपना नेता चुनकर उससे अपने हक की लड़ाई लड़ें। प्रधान जी, इस सरकार में आपको कौन नेता अच्छा लगता है? आपका भी कुछ मत होगा, आप भी इस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपने क्या सोचा है? नहीं नहीं, वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं नंबर एक, विदेशों में उनका नाम है, अच्छे स्थान रैंक पर हैं। आज के पहले कोई भी इंडिया का कोई प्रधानमंत्री रैंक में नहीं था, आज वो हैं रैंक में। भारत का गर्व ऊंचा है, यह भारत का गर्व ऊंचा है, हमारा भी गर्व, उनके वजह से हम भी गर्वान्वित हैं। अच्छे अच्छे नेता लोग भारत के आगे झुक गए, लेकिन फिर भी लोग विपक्षी कह रहा है कि मोदी चोर है और मोदी, तो एक देखिए विपक्ष का कहना एक काम है, हम विपक्ष हमेशा कहता है अच्छा काम वो करता है तो भी कहता है कि नहीं वो खराब काम है। अच्छे काम को बुरा कहना, बुरे काम को अच्छा कहना हमारे देश की राजनीति है, गंदी राजनीति, गंदी सोच है इसमें। अब मन किसी की मानसिकता तो बदला नहीं जा सकता है, हकीकत क्या है पोर्टल पर है, लोग देख रहे हैं, हकीकत सबके सामने है, देश के सामने है। एक सवाल और हम आपसे कर लेते हैं, 400 पार जो है, जैसा कि अभी अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था कि वाराणसी वाला सीट हम हार जाएंगे और बाकी सीट हम जीत रहे हैं, देखिए, और मोदी जी ने कहा है कि 400 पार है। जी जी, क्या लगता है? ये ऐसा है, देखिए 400 पार मोदी जी भी कर रहे हैं तो वो भी जाना नामुमकिन दिख रहा है, लेकिन मोदी जी की सरकार बनने की उम्मीद है। ये तो वोट है, राजनीति एक माने रात भर में पलट जाती है, इसको नहीं कहा जा सकता जनता कहाँ वोट कर देगी, तो ये एक अलग बात है, वो तो अब जब परिणाम आएगा तो पता चल। तो बस वाराणसी वाला सीट हार रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहना उचित नहीं है। चेहरे पे कुछ स्माइल आ रही है आपकी, इस बात पे क्या बात है? नहीं, स्माइल तो हम हमेशा हंसते रहते हैं। अगर मान लीजिए 4 तारीख को अगर मोदी जी चुनाव हार जाएंगे तभी भी हंसेंगे कि थोड़ा? बिल्कुल हंसेंगे, हारना और जीतना ये तो जब दो योद्धा लड़ेंगे मैदान में तो किसी एक को हारना ही हारना है। आज मोदी जी एक तरफ हो गए और सारा गठबंधन एक और है, इसके पहले भी हुआ था जी। पहले भी हुआ था। आज का जो दौर है काफी जो वो कोई दम नहीं है, जब सब लोग अपना अपना आंकड़ा देख लिए और नहीं हो पाया तो सब इकट्ठा हुआ कि इकट्ठा होकर हमको गिराए। मोदी जी भारी पड़ गए? बिल्कुल भारी है मोदी, बिल्कुल भारी है बाबा। बाबा मोदी जी भारी पड़ गए उनका? हम बोल रहे, हम कहा बताएं, बोल वाला था ना बताए, लड़का बताइए सर, लड़का बताइए मोदी जी के लाइक करेला कि अखिलेश के बतावा के? अब का हमको है, हम तो प्रकाश हैं, ओम प्रकाश राजभर के लाइक कर, उनके तो स्टेटर प्रभारी हैं। चलिए कुछ और लोग भी हैं, और चलिए कि चाचा स्माइल वाले हैं, हंसने वाले चाचा हैं, हंसते हुए चाचा बता दीजिए, वोट देंगे ना कि वो भी नहीं करेंगे? नहीं, वोट देंगे सर, वोट देंगे जी, वोट दे लिए। कब देंगे? दे दिए हैं, वोट भी दे दिए, लेकिन बताएंगे नहीं? नहीं बताएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं बताएंगे, क्योंकि
कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसा भी डर रहता है कि कहीं कहीं, चूँकि हम उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं कर सकते, दबाव भी नहीं डाल सकते, और ये स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हैं लोग, इनका ऊपर कोई प्रेशर हम नहीं कर सकते। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानते हैं और जनता की राय, और जगहों पे हम लोग पहुंचेंगे और लोगों से ये जानेंगे कि ज़्यादा वोट कहाँ पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।